कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सुर अब भारत को लेकर बदले बदले दिख रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा अभी भी भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ट्रूडो ने अब भारत के दुनिया भर में बढ़ते प्रभाव की ओर भी इशारा किया है और कहा यह बहुत जरूरी है कि कनाडा और उसके सहयोगी भारत के साथ जुड़े रहे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वह मानते हैं कि कनाडा और इसके सहयोगियों के भारत के साथ संबंध मजबूत करना बेहद अहम है। दुनिया के विभिन्न मंचों पर भी भारत को अहमियत दी जा रही है। भारत एक बढ़ती हुई आर्थिक ताकत है और भू राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम है। हमारी हिंद प्रशांत महासागर की रणनीति के लिए भी भारत अहम है, इसलिए हम भारत के साथ संबंध मजबूत करने के लिए बहुत गंभीर हैं। इसके साथ ही जस्टिन ट्रूडो ने यह भी कहा कि कानून के शासन वाले देश के रूप में हम चाहते हैं कि भारत कनाडा के साथ मिलकर काम करे और यह सुनिश्चित करे कि सारे तथ्य हमारे सामने आए। ट्रूडो ने कहा कि उन्हें अमेरिका से इस बात का आश्वासन मिला है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत के दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी निज्जर की हत्या के मामले को उठाएंगे। अमेरिका हमारे साथ है और वह भारत के सामने कनाडा की धरती पर कनाडाई नागरिक की हत्या के मामले को उठा रहा है। ट्रूडो ने कहा है कि अमेरिका भारत सरकार से बात करने में हमारे साथ रहा है। यह कुछ ऐसा है जिसे सभी लोकतांत्रिक देशों और कानून के शासन का सम्मान करने वाले सभी देशों को गंभीरता से लेने की जरूरत है और भारत सरकार के प्रति अपने दृष्टिकोण सहित अपने सभी साझेदारों के साथ कानून के शासन में रहते हुए एक विचारशील जिम्मेदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। ट्रूडो ने G20 शिखर सम्मेलन का भी जिक्र करते हुए कहा है कि उन्होंने इस बारे में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी। साथ ही भारत के शीर्ष खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों को कनाडा की चिंताओं से अवगत कराया था। ट्रूडो ने तब भारत सरकार से इस मामले की तह तक जाने के लिए कनाडा के साथ सहयोग करने का आग्रह किया था। अब गौर कीजिए, जब ट्रूडो G20 में शामिल होकर कनाडा लौटे तो हरदीप निज्जर की हत्या कराने का आरोप भारत पर लगा दिया, लेकिन जैसे जैसे ट्रूडो पर दबाव बढ़ा है तो अचानक से सुर बदल गए। ट्रूडो अब समझ चुके हैं कि भारत से तल्खियां बढ़ाकर उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। ट्रूडो को भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक विवाद में कारोबार को लेकर भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय कनाडा की इकोनॉमी में हर साल 3 लाख करोड़ का योगदान देते हैं। ऐसे में कनाडा की इकोनॉमी को बड़ा झटका लग सकता है।